दो दोस्त सफर पर जा रहे थे। रात हो गई और वो टेंट लगाकर सो गए। रात को एक दोस्त की नींद खुली। उसने दूसरे दोस्त को जगाकर कहा, आसमान की तरफ तुझे क्या नजर आता है? दूसरा दोस्त बोला, बहुत सारे सितारे। पहला दोस्त बोला, इससे क्या पता चलता है? दूसरा दोस्त बोला, आसमान कितना खूबसूरत है। पहला बोला, अबे न्यूटन की औलाद, टेंट चोरी हो गया है। तेरी वजह से हुआ सब। नहीं, तेरी वजह से। अरे तेरी वजह से हुआ। हर साल की तरह फिर वो वक्त दोहराएगा। डर तो जरूर होगा मन में जब वो अपने पूरे साल की मेहनत आजमाएगा, पर इस सफर में उसे ये कोई नहीं बताएगा कि इस मार्कशीट से तेरा फ्यूचर डिसाइड नहीं हो जाएगा। उस जिम्मेदारी के कागज पे लिखे हर कतरे को मेरी अर्थी पे रख देना। मम्मी पापा मैं ये नहीं कर पाई, मैं दुनिया की सबसे बुरी बेटी हूँ, मुझे माफ कर देना। हर साल ना जाने कितने बच्चे जान दे देते हैं सिर्फ ये सोचकर कि अब उनसे कुछ नहीं हो पाएगा। फाइनल एग्जाम्स का टाइम और दुनिया की सारी डिस्ट्रैक्शन तुम्हें चारों तरफ से घेर लेगी। जो पढ़ा था भूलने लगोगे और सिलेबस की चिंता तुम्हें चारों ओर बिखेर देगी। पर तुम घबराना मत, तुम्हें करके दिखाना है और ना हो सके तो दोबारा कोशिश करनी है, ना कि खुद को मिटाना है। सच में जिंदगी सिर्फ IAS या डॉक्टर बनने से नहीं सवर जाती। ये 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं की रिपोर्ट कार्ड सच में कहीं काम नहीं आती। इतना भरोसा तो है ना खुद पर कि कमा लोगे अपने और अपने घर वालों के लिए। ठीक है ना, होगा तो होगा, नहीं होगा तो कई दरवाजे खुले हैं तुम्हारे लिए। ये कागज के टुकड़े तुम्हारी तकदीर नहीं बदल देंगे, तो ऐसा वैसा कोई फैसला लेने के बारे में कभी सोचे भी।